इन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। इससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। हे गाइस, दिस इज सुष्मिता एंड वेलकम टू बैक टू माय चैनल रॉस्टी सिस्टर। फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है और एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी में। और अभी मैं फिलहाल हूँ हावड़ा स्टेशन में और इधर से आज मैं जर्नी करने वाली हूँ हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की ओर बाय 22301 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड गाइस, ये मेरा फर्स्ट वंदे भारत का एक्सपीरियंस होने वाला है, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। ये देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, नहीं तो आप लोगों के पास मेरा नेक्स्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेन रोज़ाना मतलब बुधवार को छोड़ के वीक में सिर्फ 6 दिन हावड़ा से निकलती है सुबह 6:55 को एंड सेम डे हमें न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचाती है दोपहर को 1:25 को। ये ट्रेन टोटल 565 की डिस्टेंस कवर करती है, वो भी 7 hours 30 minutes के अंदर एंड 3 halt के साथ। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं एंड इंटीरियर वगैरह फूड वगैरह सब कुछ आपको जर्नी के दौरान शेयर करते जाऊँगा। ये आ गया ऑटोमेटिक डोर। ये है मेरा सीट 35 and 36 एंड आज मैं चेयर कार से जर्नी कर रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से है सीटिंग अरेंजमेंट। 3:2 एंड गाइस, डोर के पास इधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इधर एक इधर भी है एंड आप तो जानते ही होंगे कि डोर ऑटोमेटिक डोर है, ट्रेन खुलने से पहले ही डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो अभी तक टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम हुआ है सिर्फ 5:25, अभी ट्रेन खुलने में काफ़ी देर है, तब तक मैं आप लोगों से बाथरूम भी दिखा देती हूँ। ये रहा बाथरूम, टैप एंड उसके नीचे है सिंक एंड इधर है हैंड वॉश एंड इधर है हैंड ड्रायर जो कि वॉशेबल भी है एंड ऊपर है फायर एक्सटिंग्विशर एंड ये है बेबी सिटिंग के लिए एंड दिस इज़ वेस्टर्न टॉयलेट। तो इधर कोमोड वगैरह है, बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है एंड ये है गाइस एग्जॉस्ट फैन। तो कुछ इस तरीके से है बाथरूम। टाइम हो गया है ट्रेन खुलने की, तो कुछ ही देर में ये हो गया डोर क्लोज। हमारी ट्रेन हावड़ा स्टेशन से निकल रही है, वो भी बिल्कुल राइट टाइम है।
পরবর্তী স্টেশন বোলপুর শান্তিনিকেতন। वंदे भारत एक्सप्रेस में इधर कुछ नए देखने को मिला मुझे, जो कि है हॉट गैस फ्रीजर एंड वाटर बॉटल रखने के लिए, एंड इधर है हॉट वाटर। तो इस ट्रेन में आपको हॉट वाटर भी मिलेगी, खाना भी बिल्कुल गर्मा गर्म मिलेगी, एंड जो ठंडा चीज़ है वो बिल्कुल ठंडा भी मिलेगी आपको। तो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम है 6:16 एंड ट्रेन खुलने के बाद पहले वाटर बॉटल एंड उसके बाद न्यूज़पेपर एंड उसके बाद टी सर्व कर रहे हैं। तो इसमें है एक टी किट एंड एक डाइजेस्टिव बिस्किट। वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार में ब्रेकफास्ट आ गया है, जिसमें है दो कटलेट एंड कुछ वेजीज, एक फ्रूट जूस, एक लैटी चोको पाई एंड एक है सैंडविच, ये रहा सैंडविच। उसके बाद इधर दो टोमेटो केचप मिला है, एक बटर अमूल बटर एंड एक ब्लैक पेपर, एक आयोडाइज सॉल्ट एंड इधर है एक मिक्स फ्रूट जैम और उसके साथ एक हैंड सैनिटाइजर। तो सबसे पहले मैं वेजीज को ट्राई कर रही हूँ एंड ये है आलू फ्राई जो कि बिल्कुल गर्म है। एक्चुअली गाइस ये फ्रेंच फ्राइज है तो, लेकिन क्रिस्पी नहीं है, टेस्ट ठीक है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ काटलेट, जो कि
एक्चुअली ये पनीर कटलेट है एंड बहुत टेस्टी है, सीरियसली बहुत ही टेस्टी है। शांति निकेतन स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BHP। इधर टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं, 4 ट्रैक्स है। गाइस मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी इसलिए नहीं उतर पाई स्टेशन में, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट स्टेशन से मैं आप लोगों को ज़रूर स्टेशन विजिट कराऊंगी। एंड अगर बात करें स्टेशन की, तो इस स्टेशन में सिर्फ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है एंड इधर टोटल 3 प्लेटफॉर्म एंड 4 ट्रैक्स है। एंड ये स्टेशन रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए बहुत ही फेमस है, तो आप लोग इधर विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल हॉट एंड बहुत ही टेस्टी था, तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट का रिव्यू बहुत ही अच्छा है। 2 मिनट हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन से निकल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के क्लीनिंग स्टाफ जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं एंड ट्रेन को बहुत ही अच्छे से साफ एंड नीट एंड क्लीन करके रखे हैं, तो इन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। Open on right side. दरवाजे दाएं तरफ खुलते हैं। दर्जा डाली दी के खुला। गाइस टोटल 329 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। मैं अभी पहुंच गई हूं मालदा टाउन स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MLDT। इधर टोटल 7 प्लेटफॉर्म एंड 26 ट्रैक्स हैं एंड ये स्टेशन में रोज़ाना 104 ट्रेन हॉल्ट लेती है एंड इधर से 18 ट्रेन ऑरिजिनेट एंड 18 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। मालदा टाउन गाइस वेस्ट बंगाल का इंग्लिश बाजार भी कहा जाता है एंड मालदा सिटी
बहुत ही फेमस है अपने आम के लिए, तो अगर आप गाइस मालदा आते हैं तो आम ज़रूर ट्राई करना। तो मैं आप लोगों को अब डिपार्चर दिखाती हूँ एंड इस स्टेशन में इस ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का ही हॉल्ट है। सूचना दे रहे थोड़ी देर में मालदा स्टेशन खुलकर चल जाएगी। मना बसों कारण वैसे तो कोई भी व्यक्ति बाहर मत रहिए, तुरंत ही गाड़ी खुल जाएगी। खुलने का पहले सभी स्वयंक्रिय दर्जा बंद हो जाएगी। डिपार्चरिंग फ्रॉम मालदा टाउन स्टेशन, 3 मिनट हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन मालदा टाउन स्टेशन से खुल गई है एंड ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम से अभी तक चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के गेट के पास ही है कुछ ऐसे टॉक बैक यूनिट, जहाँ से आप डायरेक्ट इस ट्रेन के लोको पायलट से बात कर सकते हैं। ये स्विच आप दबा कर, आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इधर से आप इस स्विच को क्लिक करके आप डायरेक्ट लोको पायलट के साथ बात कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि लंच रेडी किया जा रहा है, हॉट के से बिल्कुल गर्मा गर्म खाना। खाना तो सुबह हावड़ा स्टेशन से ही बुक किया गया था, लेकिन हमें बिल्कुल गर्मा गर्म खाना सर्व किया जाएगा। तो अभी खाना वेज नॉन वेज जो जिसका जो है वो अलग से रेडी कर रहे हैं, देन हमें सर्व करेंगे बरसों स्टेशन क्रॉस करने के बाद।
और 19 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते अभी हम पहुंच गए हैं बस्तर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BOE। इधर टोटल 2 प्लेटफॉर्म हैं, 2 मिनट का ही हॉल्ट है इस ट्रेन का। डोर्स आर क्लोजिंग एंड ये हो गया गेट बंद, दरवाजे बंद हो रहे हैं। डिपार्चरिंग फ्रॉम बरसोई जंक्शन, 2 मिनट हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन बरसोई जंक्शन से डिपार्चर हो गई है। मादर डेयरी का, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। मादर डेयरी का आइसक्रीम मिला है वैनिला,
वैनिला फ्लेवर। कोच में इधर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्टेशन है एंड फिलहाल कौन सा स्टेशन है, कितना स्पीड है ट्रेन का, कितना स्पीड है, डेट कौन सा है, सब कुछ इधर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी आपको। टोटल 565 किलोमीटर की डिस्टेंस फाइनली कवर करके हम पहुंच गए हैं एनजीपी जंक्शन। एंड इधर पहुंचने का टाइम था दोपहर को 1:25 को, और अभी पहुंचे हैं हम 1:40 को। तो ट्रेन काफ़ी लेट है, इससे आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेन के पंक्चुअलिटी के बारे में। ये जर्नी को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।